आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 25 दिसंबर को इंदौर में आयोजित होने वाले हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के राशि अंतरण कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के अटल अनुमति उद्यान में आयोजित स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में सहभागिता कर श्रमदान किया एवं नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उज्जैन में आयोजित स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी का परम सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि पूरे देश में स्वच्छता का तमगा अगर किसी को मिला है तो वो मध्य प्रदेश और इंदौर शहर को मिला है। दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर मोहन यादव ने आज हथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी कला संस्कृति और परंपराएं अनूठी और अद्भुत और अनुपम हैं। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी की गरिमा में उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में 66 करोड़ से अधिक लागत से बने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अकादमिक भवन का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी की गरिमा में उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।